भगवान जी कहते हैं कि पंजाबी तो ढोल की थाप सुन के ही नाचने लगते हैं। जिस दिन पूरा पंजाब भंगड़ा करेगा ना उस दिन करेंगे। चलिए अरविंद जी अपने बचने के लिए दूसरा रास्ता निकालते थे, भगवान जी ने दूसरा रास्ता चुन लिया। आज यहां पर जो हम लोग बैठे हैं, क्या हम एक सीएम उम्मीदवार और एक सुपर सीएम उम्मीदवार के साथ बैठे हैं? सुपर सीएम, आधे स्टेट का सीएम होगा उनके। अगर वो बनते हैं पंजाब के सीएम तो क्या सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे? कोई सुपर सीएम नहीं है। ये क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ आप लोग क्यों पूछ रहे हैं। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर साहब दिल्ली जाते थे, तीन तीन दिन तक गांधी परिवार के वेटिंग रूम में बैठे रहते थे, वो मिलते ही नहीं थे। ये तो एक तरह से पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान था। आजकल चन्नी साहब सारा दिन दिल्ली रहते हैं, सिद्धू साहब सारा दिन दिल्ली रहते हैं, पूरी कैबिनेट इनकी दिल्ली रहती है। आप मेरे को ये बताओ, पिछले 4 महीने में भगवंत मान कितनी बार दिल्ली आए? एक बार से। बस एक बार। दो बार। दूसरी बार जब आप, हाँ, आपने कहा था कि दो बार, 4 महीने में 2 बार। चन्नी साहब 1 दिन में 2 बार जाते हैं, ये एक हफ्ते में 4 बार आ जाते हैं। मैं एक हफ्ते, तो उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। हमें पंजाब के बारे में निर्णय लेना होता है तो केजरीवाल पंजाब आ जाता है, हमारी पार्टी पंजाब से चलती है। अरविंद आप, मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रही थी। चलिए सुपर सीएम सीएम तो बाद की बात है, वो हमें 10 मार्च को पता चलेगा, पर अभी की बात करते हैं। मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रही थी, आपने 3-4 सीटों पे बोला है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, वो कैंडिडेट हार रहा है, अमृतसर में ये जीवन ज्योति जीतेंगी, ओवर कॉन्फिडेंस है थोड़ा? ना, ना, सर्वे है, जैसे आप कराते हैं हम भी कराते हैं। सर्वे पे आपको बिलीफ है? 2017 में भी सर्वे आपके कह रहे थे कि आपका तो स्वीप था, मिली 20 सीटें। मैंने कब कहा था? सर्वे आपके तो यही कह रहे थे उसमें? मैंने तो कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मेरे मुंह में बातें डाल रहे हो। 2017 में हमसे कुछ गलतियां भी हुई थी, हम मानते हैं, इस बार हम थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। और 2017 में दिल्ली में 2 ही साल हुए थे, अब 7 साल हो गए। तो दिल्ली के सरकार के कामों के बारे में आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा चर्चा है पूरे देश के अंदर। सीएम का फेस न होना, क्या उस समय की एक गलती आपको लगी जिस वजह से इस बार हम हर, जैसे गोवा में आपने इंटरव्यू किया प्रीति के साथ ही, उस समय आप गोवा के सीएम कैंडिडेट के साथ थे, उत्तराखंड में सीएम कैंडिडेट रहा, यहां पर भगवान जी का नाम आपने अनाउंस किया। हर एक चुनाव अलग होता है, हर चुनाव की स्ट्रेटजी अलग होती है, सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, पर पिछली बार सबको, सब आपके विरोधी यही कहते थे ना कि ये केजरीवाल दिल्ली छोड़कर बैठेगा क्या वहां पर, दिल्ली वालों को भी ये समझाया जाता था। वो तो आज श्वेता जी, आज भी वो भगवंत को डिक्लेयर कर दिया, चन्नी साहब कहते हैं केजरीवाल इसको हरा के और खुद आ जाएगा, फिर आज शायद आप ही का प्रोग्राम, उसमें कह रहे थे कि राघव चड्ढा को बना देगा, फिर कह रहे थे कि केजरीवाल अपनी बीवी को बना देगा। आजकल वो बहुत ज्यादा, राघव चड्ढा यहीं पे बैठे हुए डेप्यूटी सीएम बनेंगे क्या? कौन? आप, मुझे ये समझ नहीं आती श्वेता जी, प्रीति जी, कि मतलब पहले तो ये कह रहे थे सारे केजरीवाल खुद बनेगा, इसलिए डिक्लेयर नहीं करता, भगवंत मान उसके पास बैठा रहता है, वो कहता है हाँ अच्छा चेहरा ढूंढेंगे, भगवंत मान का अच्छा चेहरा नहीं है, जिस दिन डिक्लेयर कर दिया इसको क्यों कर दिया, ये तो ये है, ये तो ये, मतलब कांग्रेस ने कैप्टन के नाम पे वोट मांगी थी, चन्नी को किसने बनाया मुख्यमंत्री? पब्लिक से पूछा था कि चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना है? राहुल गांधी ने, ठीक है ना, ये चन्नी ना, चन्नी सरकार, निकम्मी सरकार, किसे ने ना मंगी सरकार, खुद ही बन गए। अब मैं आ गया हूं, वो पहले वाले बहुत अच्छे नहीं थे, तो 4.5 साल उनमें भी तो वो मतलब टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, अली बाबा बदल दिया, 40 तो वही है। आप दोनों से ये सवाल करूंगी, आपने बताया जैसे आपने दोनों का नाम लिया, चन्नी साहब राहुल साहब का नाम लिया, वोट किसके नाम पे पड़ेगा? क्या वोट भगवंत मान के नाम पे पड़ेगा या वोट अरविंद केजरीवाल के नाम पे पड़ेगा? वोट हमारे काम के नाम पे पड़ेगा और वोट हमारे पंजाब के विजन के नाम पे पड़ेगा।
नहीं, चूंकि चन्नी साहब का जिक्र आपने ले ही आया है यहाँ पर, तो वो जो आरोप उन्होंने लगाए थे, मैं चाहूंगी कि उसके जवाब आप लोग दें। आप चन्नी साहब को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता ही नहीं लेती चन्नी साहब। पब्लिक के सवाल पूछ सकते हैं कोई? पब्लिक ये कहती है, सीएम है सामने, चैलेंजर वही खड़े हैं इस समय आपके। पर जनता ही उनको सीरियस नहीं ले, जनता के सवाल पूछो ना। आज पंजाब की जनता बहुत दुखी है। हम पंजाब की जनता पर भी आएंगे अरविंद जी। नशा कैसे दूर करोगे हम बताएंगे, इनके पास। हमें ये जरूर समझना है कि भगवंत मान का क्या है रोड मैप पंजाब के लिए, लेकिन पहले तीन आरोपों के उनके जवाब आप दे दीजिए। पहला आरोप उसमें से यह है, उनसे जब यह पूछा गया कि आप तो अमीर हैं, खुद को गरीब कैसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुझे अपनी एक चौथाई संपत्ति दे दे और उसके बदले में मेरी पूरी संपत्ति ले ले, क्या मैं इतना कम पैसे। इन्होंने जवाब दिया इसका, देखो उन्होंने मुझे भी कहा कि भगवंत मान मेरे साथ अपनी संपत्ति जो है वो बदल ले। मैंने कहा जी आपका चैलेंज कबूल करता हूं, लेकिन भांजे और भतीजों के भी बदलेंगे। आपके भांजे भतीजे कितने साल के हैं? 10-10 करोड़ रुपया उनके घर से मिलता है, 56 करोड़ की बेनामी उनकी वो मिलती है, जायदाद जैगुअर गाड़ियां मिलती हैं। ले लो मेरी संपत्ति, मेरे भांजे की, मेरे भतीजे की, सब बदलाओ, सारी सबकी एक्सचेंज होगी। चलिए तो ये कोई बात है, ये मुद्दा है कि मेरी संपत्ति तू ले ले। पंजाब का बिजनेस बताओ, पानी का लेवल नीचे चला गया जी। हमारे युवा आईलेट्स करके, पीएचडी करके, एमएससी करके, दोबारा आईलेट्स करके हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कनाडा न्यूजीलैंड भाग रहे हैं। उसकी बात करें कोई, ये गाली गलौज की जो राजनीति है ये बहुत गंदी है। मतलब पूरे चुनाव के टर्न में वो केजरीवाल बंदर है, भगवंत मान बंदर है, केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है, क्या ये इससे देश का भला होगा इन चीजों से? हमने तो बिल्कुल, हम तो गाली गलौज करते ही नहीं है, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम किसी को गाली नहीं देते। अरविंद हम चलिए चन्नी जी ने जो बोला इस मंच पर वो ना कह के, पर उन्होंने एक मुद्दा उठाया है और वो मुद्दा तीन राज्यों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। आप दिल्ली के सीएम हैं, पंजाब में आप चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा से आप आते हैं, क्या पता कल आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़े। वो मुद्दा था पानी का मुद्दा, आपने पानी का मुद्दा के बारे में बोला। सतलुज यमुना लिंक के बारे में उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं, वो तो कह रहे नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? सुनो, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जाके कुछ और बोलती है, पंजाब में जाके कुछ और बोलती है, केंद्र में कुछ और बोलती है। एक टाइम ऐसा था जब तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने मुद्दे को सॉल्व क्यों नहीं किया? बीजेपी से पूछ लो, अभी वहां खट्टर साहब की सरकार है, यहाँ पे उस टाइम अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में मोदी जी की सरकार थी, उन्होंने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया? ये सॉल्व करना नहीं चाहते, ये इस पे राजनीति करना चाहते हैं, हम सोल्यूशन देना चाहते हैं। पंजाब के हकों को हम किसी भी हालत में मरने नहीं देंगे। एक मिनट, बादल साहब ने जब यहाँ पे चौटाला साहब की सरकार थी तो बादल साहब ने इसका सर्वे करने का मतलब अनुमति दी, 2 करोड़ रुपया खजाने में आया, बाकी जो उबराई होटल है एयरपोर्ट के पास उसके लिए जमीन ली, ठीक है, एक नंबर बादल साहब को मिली। हाँ जी, अच्छा उन्होंने मतलब 2 करोड़ तो खजाने में दिया। आप ये कह रहे हो सर्वे कि एसवाईएल एसवाईएल का सर्वे का उन्होंने दिया, उसके बाद 84 में कपूरी गांव है पटियाला के पास, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इस नहर का वो शिलान्यास करने आई थी, तब कांग्रेस की तरफ से कैप्टन साहब पटियाला से एमपी थे, चांदी की कसी लेके गए थे, चांदी की कसी। अब कांग्रेस और अकालियों से पूछो, हमारी तो 7 साल पुरानी पार्टी है, हमारे से पूछने लगते हैं एसवाईएल, मतलब ऐसे जैसे हमने खुदाई करी है वहां पे। सब कुछ उन्होंने किया है। अच्छा, तीसरी चीज जो उन्होंने कही और ये इसके साथ उनके आरोपों का अंत, वो ये कि भगवंत मान ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए क्या किया इतने सालों में, सारा एक सवाल तक नहीं उठाया संसद में, ये उन्होंने कहा। किन्होंने कहा? चन्नी साहब ने। एक काम करो, आपके पास फोन है, सिर्फ कविताएं सुनाता है, सिर्फ शेर व शायरी करता है, कोई सवाल नहीं उठाता है। मुझे चन्नी साहब को स्पीकर पे लगाओ। एक मिनट, आप एक काम करो, भगवंत मान पार्लियामेंट यूट्यूब पे डाल लो, आपको जो मुद्दे पे बात करनी है वो करो। मैंने कैंसर का मुद्दा उठाया, अभी मैं अपना एक दिन का प्रचार छोड़ के गया, मैं किसानों का मुद्दा उठाया मैंने, और वो उस समय 12 के 12 वहां नहीं थे जो इनके, 8 तो इनके हैं, ठीक है ना। मैंने खुदकुशियों का मुद्दा उठाया, मैंने एससी स्कॉलरशिप के घोटाले का मुद्दा उठाया, मैंने मनरेगा का मुद्दा उठाया। इनको इनको शायद याद नहीं है, क्योंकि इनके वाले तो सो के वापस आते हैं। आप पार्लियामेंट से निकाल लो रिकॉर्ड, मैं कोई इसको तो कोई मैं टेम्पर नहीं कर सकता,
देश में सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने वाले 5 वोकलिस्ट एमपी में मेरा नाम है और 25 करोड़ मुझे मिला 2014 से 2019 तक। मैंने 26 करोड़ 61 लाख का हिसाब दिया लोगों को। 25 मिला और 26 करोड़ का, बताएंगे कैसे? एक करोड़ एक लाख जब कोई छोटा मोटा पंचायत का चुनाव आ गया या कोई एमसी का चुनाव आ गया तो कोड लग जाता है, तो पैसा रुक जाता है, तो बैंक का ब्याज तो मिलता है ना उस पर। 1 करोड़ 1 लाख 5 साल में ब्याज मिला और 60 लाख पुराने एमपी का जो लैप्स कर गया था वो मिला। 26 करोड़ 61 लाख। मैंने कहा अगर 25 करोड़ लोगों का है तो उसका ब्याज भी लोगों का है, इसीलिए दूसरी बार उन्होंने चुना। उनको बोल देना कांग्रेस वालों को कि अपने केवल ढिल्लों से पूछ लें, मल्टी मिलियनेर है, ठीक है ना, कि कौन सी कविता उसको कितनी भाव पड़ती है। सुखदेव सिंह ढूंढसा से पूछ लें, बिजेंद्र सिंगला से पूछ लें कविताओं का भाव क्या है। दो और आरोप हैं कि आप यहाँ हमारा विजन पूछने आएंगे आरोप? सर देखिए जनता तो पूछेगी ना, जनता नहीं है, जनता का सवाल पूछा ही नहीं आपने कि लोग कह रहे हैं हमारे चूल्हे में आग बच जाएगी, लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे क्या ड्रग्स से बच जाएंगे, लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे सऊदी अरब की जेलों से वापस आ सकते हैं, ये सवाल करो जी। स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, पानी बनेगा, ये जनता के मुद्दे हैं, उनका विजन ही आरोप प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप, बस यही करते हैं लोग। एक सवाल जो उठा है जो उन्होंने प्रियंका जी आए धूरी, प्रियंका जी कह रहे हैं जो दिल्ली से आए हैं उनकी सरकार मत बनाना। प्रियंका मोगा रहती है, खुद भी तो दिल्ली से आई है। ये पंजाब चुनावों की बड़ी अच्छी बात है, आप बहुत देर तक सीरियस ही नहीं रह सकते। वही, और ये जुगलबंदी हो गई है दोनों की, अरविंद केजरीवाल प्लस भगवंत मान। इट इज अ सीरियस क्वेश्चन, अगर ये दिल्ली से हैं, लेकिन ये जो केमिस्ट्री, ये जो राहुल कहां रहता है ना आप दोनों के बीच आज। एक मिनट, गजेंद्र शेखावत कहां का है, मीनाक्षी लेखी कहां से है, अमित शाह कहां से है? ये सब हिंदुस्तान से, देश की पार्टी हमारी भी नेशनल पार्टी, हमारे भी कन्वीनर आते हैं। चलिए, आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, उन्होंने ये भी बोला है अरविंद और आप इसका, उन्होंने साफ बोला है कि मोदी और अरविंद दोनों एक हैं, दोनों आरएसएस से आए हैं और आरएसएस की बिल्कुल वही सोच है। कहने दो उनको, क्या फर्क पड़ता, आप आरएसएस से आए हैं। आर्टिकल 19(1) में सबको बोलने का अधिकार है, वो भी बोल रही है। यहाँ प्रियंका जी रहते हैं, जहाँ राहुल जी रहते हैं, जहाँ गांधी परिवार रहता है, जहाँ पे केसी वेणुगोपाल रहते हैं, अमित शाह जी रहते हैं, जहाँ के घर हैं वो नई दिल्ली विधानसभा है, उनका एमएलए पिछले 3 बार से अरविंद केजरीवाल है। उनको बोलो पहले, कांग्रेस को बोलो पहले नेशनल कैपिटल में कोई खाता तो खोल ले। 0-0-0। अच्छा, रोडमैप पर आते हैं पंजाब की। एक एक चीज जो हमेशा लोग जिसका जवाब जानना चाहते हैं और आपसे मैं समझना चाहूंगी, लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है क्या एक बॉर्डर स्टेट को, इतने संवेदनशील राज्य को संभाल पाएगी? उत्तराखंड को लेकर भी ये सवाल उठे, पंजाब को लेकर भी। तो मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अगर आप यहां पर जीतते हैं तो बीइंग अ बॉर्डर स्टेट पंजाब को लेकर आपका उस हिसाब से क्या विजन? ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से भी कुछ लोग आके ये प्रश्न पूछ रहे हैं, जी जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खासकर पीएम सिक्योरिटी को लेके राजनीति चल रही है, ये अच्छी चीज नहीं है। पिछले कुछ महीनों के अंदर लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बेअदबी की कुछ घटनाएं कोशिश की गई, टिफिन बॉम्ब मिल रहे हैं, ड्रोन्स रोज आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच एक सीरियस इशू है जिसके ऊपर सीरियस बातचीत की बजाय तू-तू में हो रही है। तो जनता थोड़ी सी इनसिक्योर फील कर रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के हमारे केंद्र सरकार से 100 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब जब बात पब्लिक इंटरेस्ट की आई और देश की आई, हमने केंद्र सरकार के साथ दिल्ली में मिलकर काम किया। कोरोना का ही ले लीजिए, कोरोना के टाइम में कई ऐसे मौके आए जब केंद्र सरकार ने भी हमें प्रोवोक करने की कोशिश की, लेकिन हम थोड़ा झुक गए, हमने कोई वो नहीं किया, केंद्र सरकार के साथ मिलके, इनफैक्ट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने हमें मदद की। पंजाब के अंदर भी 3 करोड़ पंजाबियों की सुरक्षा हमारे लिए अहम है, इसमें हम किसी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार के साथ मिलके पंजाब के अंदर पंजाबियों की, बॉर्डर स्टेट की, बॉर्डर की और देश की सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़ेगा, हमें झुकने में हमारा कोई अहंकार नहीं है, हमें झुकने में कोई वो नहीं है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2,
बॉर्डर से जब नशा आता है इधर, बॉर्डर से जब टिफिन बॉम्ब आते हैं इधर, बॉर्डर से जब क्रॉस होता है, कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार होता है। बॉम्बे ब्लास्ट में ये पाया गया कि आरडीएक्स बॉम्बे कैसे पहुंचा, तो पता चला कि कुछ कस्टम के ऑफिसर्स थे जो बिक गए थे। यहां भी जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, किसी ना किसी लेवल के ऊपर कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज होता है जिसकी वजह से ये सब होता है। मैं समझता हूं कि इसीलिए बहुत जरूरी है कि पंजाब में एक निहायत कट्टर ईमानदार सरकार होनी चाहिए। ईमानदार सरकार होगी तो इस किस्म की घटनाएं नहीं घटेंगी उसके ऊपर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक बेईमान मुख्यमंत्री है, वो पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाता है, उनको क्या कहेगा? हाँ भाई तू कितना लेके आया, तेरे इलाके में कितना इकट्ठा हुआ, यही पूछेगा उनसे? एसपी की पोस्ट के इतने लाख रुपए, थानेदार की पोस्ट के इतने लाख रुपए। अब वो थानेदार एसपी जब इतने पैसे दे के पोस्टिंग कराएंगे और हर महीने देने पड़ेंगे, तो वो तो फिर टिफिन बॉम्ब ही मंगवाएंगे, वो तो नशा ही बेचेंगे, वो तो फिर कॉम्प्रोमाइज करेंगे नेशनल सिक्योरिटी को और लॉ एंड ऑर्डर को। और जब एक ईमानदार मुख्यमंत्री होगा, वो अपने पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाएगा, वो क्या कहेगा? खबरदार, अगर किसी ने नशा तुम्हारे इलाके में बिका तो खाल खींच लूंगा तुम्हारी, नशा अपने आप बंद हो जाएगा। पर सुनने में ये भी आ रहा है कि जो आपने पब्लिकली हमारे मंच पे डिक्लेयर किया था कि चन्नी साहब दोनों सीट हार रहे हैं, पर सुनने में ये भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी चमकौर साहब में जो बीएसपी का कैंडिडेट है उसको सपोर्ट कर रही है, बदौर में जो उनकी सीट है शिरोमणि अकाली दल को सपोर्ट कर रही है कि वो चन्नी साहब को हटा दे, हरा दें। जी सुनने में ये भी आ रहा है। किसने बोला आपको? आप जैसे एक मिनट, मैं आपके मंच पे बोलता हूँ, जिस पंजाबी के अंदर लाइट मत लग दी, हमें चमकौर साहब और पदौड़ के जो आप कह रहे हैं उनके कैंडिडेट के नाम भी नहीं पता कौन है, हम कैसे सपोर्ट करेंगे? हम अपने लड़के को जिताएंगे, आज पदौड़ जाके आया हूं मैं, और वो चमकौर जाके आया, चमकौर साहब जाके आया, आज इतना बड़ा रोड शो करके आया वहां पे, और लिख के दे दिया ना। अब तो मैंने लिख के भी दे दिया। क्या लिख के दिया आपने? चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं, तो हमें भी लिख के दे दीजिए। नहीं, एक बार लिख दिया चलो। और लहर अगर आ रही है तो लो लिखो, कागज दीजिए, कोई है कागज वहां पर, कागज दे दो। और अगर लहर आ रही है तो ये भी लिख के दे दीजिए कितनी सीटें आ रही है। नहीं नहीं, सीटें कितनी की नहीं, बात ये करो, एक और लिख के दूंगा मैं, चलो जरूर। नहीं वो भी मैं लिख के दे रहा हूँ। सुपर सीएम नहीं, लिख के दे दो। क्या लिख रहे सर? साथ में बोलते जाओ। चन्नी साहब, चन्नी साहब।